basically polymorphism बना किससे? Basically this polymorphism is a Greek word, ठीक है, जो बना किससे? Poly plus form, ठीक है ना। अब poly का मतलब होता है many, ठीक है, मतलब एक function, ठीक है, जिसका name same है पर उसकी forms different है, means वो अलग definition है, ठीक है ना, arguments भी अलग हैं, ठीक है, तो इन सबको कहते हैं polymorphism। ये आपका कोई object है, ठीक है ना, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का नेम सेम है पर वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। ओ बी जे डॉट नेम, ओ बी जे डॉट एड, ओ बी जे डॉट रोल नंबर, तीनों अलग अलग आ गए, एक में नेम ले रहा है, एक में एड्रेस ले रहा है और एक में रोल नंबर ले रहा है, बट योर ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है ना। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म एक हुब्स का कंसेप्ट है, हुब्स का कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। बेसिकली जावा में जो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होती है वो टू वेज में होती है, जिसको कहते हैं जावा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पहली जो होती है वो होती है हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और सेकंड जो होती है हमारी वो होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इस रन टाइम को आपको क्या कहते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, इसको कहते हैं डायनामिक, जो रन टाइम पे होती है, ठीक है, और आपकी कंपाइल टाइम को हम कहते हैं स्टैटिक, हम मतलब क्या होता है इस डायनामिक और स्टैटिक का? कंपाइल टाइम का मतलब, ठीक है, जो मतलब कंपाइलर के पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि भाई चलो फंक्शन के नेम तो सेम है पर उसको पता है कि कौन सा फंक्शन को कब कॉल करना है, ठीक है ना। रन टाइम पे यही है कि जो भाई आपका प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ढूंढ रहा है कि इसकी एग्जैक्ट कॉल क्या है फंक्शन की, फंक्शन के नेम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि किसको कॉल करे, तो वो किसको रिजॉल्व करेगा? रन टाइम पे, ठीक है। दोनों के एग्जांपल करके देखेंगे, रन टाइम पे कैसे होता है और कंपाइल टाइम पे कैसे होता है, ठीक है ना। कंपाइल टाइम का एक एग्जांपल है किस चीज़ का? मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? मेथड ओवर लोडिंग, ठीक है। तो कंपाइल टाइम को पता लग जाएगा कि अगर दो पैरामीटर कॉल कर रहा है तो कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, सिंगल पैरामीटर डाल रहा है तो कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं, लेट्स से मैं एक देता हूँ इसका एग्जांपल, ओवरलोड एग्जांपल, लेट्स से ये मेरी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो फंक्शन बना दिए विद सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। लेट्स से एक मैंने फंक्शन बना दिया वॉइड डेमो, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल ले लिया इंटीजर ए, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से जो भी मेरी ए की वैल्यू आएगी वो मैं प्रिंट करा देता हूँ, अब लेट्स से एक और फंक्शन बना जिसका नेम सेम होगा बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंस कर दूँगा, लेट्स से इसी को एक बार मैं कॉपी कर लेना, यहाँ पर एक और बार फंक्शन बना इंट ए इंट बी, कंकैटिनेशन ऑपरेटर समझ में आता आपको? ए की वैल्यू दिखा देगा और बी की वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर डिफरेंट कर रहा हूँ, आप उसके डेटा टाइप को भी डिफरेंट कर सकते हो, कैसे? लेट्स से मैं कॉपी करती हूँ, वाइड की जगह मैं इसका पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से इसको मैंने डाल दिया डबल, और ये इंटीजर इसको भी मैंने कर दिया डबल, ठीक
यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू डबल ए की, अभी मेरा डबल है तो ये वैल्यू रिटर्न कराएगा, ठीक है ना। वॉइड वैल्यू रिटर्न नहीं कराता, तो लेट से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया रिटर्न ए इन टू, तो जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न करके दे देगा ए बाय ए, स्क्वायर रूट कर दूंगा। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्लास का जैसे मेरा नाम है ओवर लोड एग्जाम्पल ओबीजे इज इक्वल टू मी, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेट से जब मैं इसको पास करूँगा ओबीजे डॉट डेमो वन, तो इसको पता लग जाएगा इसको कौन से वाले को कॉल करना फंक्शन में, जिसके पास एक पैरामीटर है और किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अब लेट से मैं दूसरे वाले फंक्शन कॉल करता हूँ डेमो टू कॉमा थ्री, तो ये कौन से फंक्शन के पास चला जाएगा, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पर की डेफिनेशन आ गई। अब डबल वाला मैं कैसे कॉल करूँगा, तो लेट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, डबल वाला ना कुछ रिटर्न करेगा, इंटीजर होता तो वो भी कुछ रिटर्न करता, रिटर्न एक करा लेट से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ ओबीजे डॉट डेमो, और यहाँ पे डाल दूँ उसकी फ्लोट वैल्यू, ठीक है। सेव किया और रन किया, इसका आउटपुट ये आ गया। इसकी डेफिनेशन आपने कंपाइल टाइम पे ही दे ली, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन कंपाइल टाइम पे दे दी, कंपाइल टाइम मतलब डेमो वन आपने बता दिया कि कौन से फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसके पास एक सिंगल इंटीजर पैरामीटर है, टू थ्री कौन सा वाले फंक्शन कॉल कर रहे हो जो इंटीजर टाइप के पास जिसके डबल पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पर आप डबल वाले को कॉल कर रहे हो। ठीक है, हो गया इतना एरर है। ये तो था इसका एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। लेट्स से इसका एग्जांपल होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग। देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। अच्छा वैसे तो मेथड ओवर राइडिंग होती क्या है, देखो ये मेथड ओवर राइडिंग होती है जब आपके चाइल्ड क्लास के पास एज द सेम मेथड नेम एज ऑफ बेस क्लास, ठीक है। जब चाइल्ड क्लास के पास भी सेम फंक्शन हो जो बेस क्लास में हो, ठीक है ना। तो लेट्स से मुझे दो क्लासेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो तो कैसे दो क्लासेस बनती हैं, एसआरसी पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लास एक ले लूँगा। लेट्स से मैंने क्लास का नाम दे दिया टेस्ट मेथड,
ठीक है, नॉन फिनिश। लेट से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, सबसे पहले ऊपर पब्लिक क्लास बेस क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, के अंदर क्लाइंट लिख दिया एम द मेथड ऑफ बेस क्लास। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक बना लेता हूँ डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ क्लास डिराइव्ड, इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ एक्सटेंड्स, ठीक है, इसको बेस क्लास को, ठीक है। और इसमें लिखा आई एम द मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब मेरे पास दो क्लासेस हो गई, इसमें भी वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है और इसमें भी वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है। तो मैं अपनी मेन क्लास में आता हूँ, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ठीक है, मेरे को इनके मेथड बनाने हैं, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अब ये मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बेस क्लास का, ठीक है, मैंने क्या बनाया बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं इस पर एक बार कॉल करके देखता हूँ ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अभी देखना, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आई एम द मेथड ऑफ बेस क्लास, ठीक है। अब लेट्स सी मैं एक और बार डिस्प्ले कॉल करता हूँ, लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बेस क्लास, ठीक है ना। ये तो बन गया मेरा बेस क्लास का, अब मेरे को किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एक डिराइव्ड क्लास का, डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू न्यू डिराइव क्लास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ, आई एम द मेथड ऑफ बेस क्लास एंड आई एम जब इसको रन करके देखोगे तो आउटपुट आ जाएगा बेस क्लास के मेथड को कॉल कर लेगा और डिराइव क्लास के मेथड को कॉल कर लेगा, ठीक है।